शनि देव, प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश जी शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज उन्हें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं आपका अपना डेली राशिफल लेकर। तो प्रिय भक्तगणों, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आज के दैनिक पंचांग से। आज विक्रम संवत 2077, तारीख 11 अप्रैल 2020, चतुर्थी तिथि है, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष चल रहा है। आसमान में सूर्यकालीन जो योग था वो व्यातपात योग था और जो अनुराधा नक्षत्र विराजमान था। राहु काल जो है सुबह 9:10 से लेकर सुबह 10:46 तक रहने वाला है। इस राहु काल के दौरान सभी प्रकार के शुभ कर्म वर्जित बताए जाते हैं, तो हमें उन शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो प्रिय भक्तगणों, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप जैसे बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं गुरु जी हम किस प्रकार से अपनी राशि देखें, नाम से देखें, डेट ऑफ बर्थ से देखें। तो उन सभी भक्तगणों से कहना चाहूंगा कि आप अगर आपके पास जन्म कुंडली है सही सही, तो जन्म कुंडली में जो आपकी राशि बताई गई है आपको उसी के अनुसार अपना राशिफल देखना चाहिए। किंतु जिन लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है, उनको पता भी नहीं है, तो उन लोगों को इस टेबल जो आपकी स्क्रीन पर टेबल आ रही है उस टेबल के अकॉर्डिंगली अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार अपनी राशि देखनी चाहिए। इसके साथ ही आप में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम आपको उनकी परेशानियों से संबंधित हो पाए, बिल्कुल फ्री में बताएं। तो प्रिय भक्तगणों, हमारे शनि पीठ मंदिर की तरफ से आप लोगों के लिए यह व्यवस्था की गई है। आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक मोबाइल ऐप के डाउनलोड का लिंक है, उस लिंक को आप डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर अगर आप अपनी जन्म की डिटेल देते हुए यानी डेट ऑफ बर्थ वगैरह टाइम वगैरह देकर अगर आप अपनी परेशानियों का उपाय पूछेंगे तो निश्चित रूप से आपको आपका उपाय बता दिया जाएगा। जैसा भी हमें से संभव होगा, हमें से कोई व्यक्ति आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है, फोन कर सकता है, या आपको अपना डायरेक्ट नंबर देकर हम आपसे कांटेक्ट करने के लिए कह सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था शनि मंदिर की ओर से की गई है, तो आप बिना किसी झिझक के उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और उस ऐप के माध्यम से हमें अपनी डिटेल भेजिए, अपनी परेशानी भेजिए, वहां से केवल आपको उपाय प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ ही मैं शुरू करता हूं आज का राशिफल। कन्या राशि वालों, आपको अपने स्वास्थ्य के लिए मैं फिर से एक बार सचेत करता हूं, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर बात करते हैं अपने परिवारजनों के साथ, तो निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है, उनका आशीर्वाद लेकर आपके भाग्य में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे समय का सदुपयोग करें। किंतु भाई बहनों के साथ कुछ अड़चन आने की संभावना दिखाई दे रही है, तो आपको वहां पर जो कुछ भी करना है सावधानी पूर्वक करना है, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। ऐसे ही माता के साथ अपने संबंधों को सावधानी पूर्वक रखें, मां के साथ उलझने का प्रयास न करें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। अपने हृदय के बारे में सचेत रहें, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का कंट्रोल करें। संतान की तरफ से आपके जो वो हैं उनसे सिर्फ उनका ध्यान रखें, किंतु जो लोग अभी तक संतान नहीं प्राप्त कर सके, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा चाहे आपकी प्रॉब्लम मिसकैरेज की हो
और डॉक्टरों से कोई हल ना निकला हो, चाहे आपकी शादी को बहुत साल हो गए हो, डॉक्टरों के इलाज कराने के बाद भी कोई हल ना निकला हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी कल प्रॉब्लम है, यहाँ आपको ग्रहों की पीड़ा को दूर करने से मदद मिलेगी। तो आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन पर हमसे संपर्क करें, हम निश्चित रूप से आप लोगों की जन्म कुंडली देखकर आपके जीवन में संतान रूपी खुशियां लाने के लिए अवश्य ही उपाय करेंगे। बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में, तो आपकी जीवन साथी का स्वास्थ्य और आपकी माता का स्वास्थ्य दोनों ही कुछ 19-20 हो रहे हैं, तो उनका ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है, शादी की उम्र निकली जा रही है, रिश्ते बार बार होके टूट जाते हैं, ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा बिना किसी चीज के एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप अपनी ग्रह जनित परेशानी को दूर करिए, क्योंकि बार बार रिश्ते टूटना आपकी समस्या नहीं है, आपकी ग्रहों की समस्या है। तो जब तक आप ग्रहों को ठीक नहीं करेंगे तो आपकी परेशानियां दूर नहीं होंगी। बात करते हैं भाग्य की, तो भाग्य हालात अचानक से आपके अनुकूल होते जा रहे हैं, तो आप उस सब समय का फायदा उठाइए। किंतु कार्यस्थल पर जैसा महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ विपरीत परिस्थितियां जन्म ले रही हैं, कुछ परेशानी वाली बातें हो रही हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, तो आपको बहुत ही सतर्कतापूर्वक उन हालातों का सामना करना है और अपने जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करना है। बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं मगर बॉर्डर पर आके रुक जाते हैं, मतलब वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके बॉर्डर पर ही इधर की तरफ रह जाते हैं, पार निकलने में कहीं 2-4 नंबरों का फासला होता है, तो उस फासले को कवर ही नहीं किया जाता। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए, अगर ये 2-4 नंबरों का जो फासला है सरकारी नौकरी और आपके बीच में, तो उसको कैसे क्रॉस किया जाए। तो समझ लीजिए कि आपके ग्रहों से संबंधित कोई परेशानी है, अगर आप अपनी ग्रह पीड़ा को ठीक करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आप सरकारी नौकरी पाने में समर्थ हो सकेंगे। तो आप उस पीड़ा को दूर करिए, अगर आप चाहें तो स्क्रीन पर आने नंबरों पर हमें अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं और अपने जीवन में लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। बात करते हैं आमदनी से संबंधित, तो आमदनी का जो ग्रह है वो भाई बहनों की कंट्रोल में चला गया इस समय, और वहां जाकर कहीं आपकी आमदनी खराब होती हुई दिखाई दे रही है भाई बहन के ऊपर, तो आप जो भी करें सोच समझ कर करें। और जो युवक युवती प्रेम के संप्रेम संबंधों की वजह से परेशान हो रहे, उनके जीवन में निराशा हाथ आ रही है, प्रेम के अंदर समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, संबंध खत्म होने की तरफ तेजी से बढ़ रहे, तो उस निराशा को दूर करने के लिए, प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए आप एक बार एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर प्रयास करें। निश्चित ही एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अगर सही तरीके से उपाय किया जाए तो आपके जीवन में प्रेम संबंधी खुशियां वापस आ सकती हैं। तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करिए, हम निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे, आपके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव। Namaste. My name is Kiran and I'm from South Africa. I'm actually a tarot reader in South Africa, and I also have been on the local TV programs and newspapers, and I will always visit India to visit Guru Rajneesh Rishi Ji. My experience with Guru Rajneesh Rishi Ji was when I was going through troubled times. This was way back in 2013. And I was searching online, and I've been to many of them, many spiritual leaders who I sought help from, but none of them came, could help me out. So I went online and started searching for somebody who's genuine and strong in the background of astrology. And that's when I came across Guru Rajneesh Rishiji's website, and he gave me everything in detail. And with his blessings, I was able to go forward. And afterwards, a lot of problems were solved. And whenever there's any issue that comes up, be it with me or my family
all I do is close my eyes and call upon him, and I meditate upon him, and he does appear in the dreams. And those signs and symbols that he gives you in the dreams actually help you to move forward in life. Using his gem rings actually bring about a lot of positivity in your life, and it enhances your life in every aspect. Not only does he tell you to use the gem rings, but he also gives you other remedies as well. And together with the blessings of Guru Maharaj Rukmaniji, I also was able to go forward. And also at Shani Peeth, there's a lot of strength and power that comes out from the pujas that happen. Because even with the Navgraha Shanti Puja that I performed with Guruji and Guru Maharaj, it actually changed life a lot for me, because it brought about a whole lot of new beginnings, new understandings. And also it brings about a whole lot of light in life. So I would recommend visiting Shani Peeth at any point in time, because it's a place that you will definitely get genuine help from.